सो दोस्तों आज हमारे पास है हीरो एक्सपल्स 204V का सबसे लेटेस्ट BS6 फेज 2 मॉडल। तो आज की इस वीडियो पे दोस्तों मैं आप लोग को इसी बाइक के ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बताने वाला हूँ, साथ ही साथ इस बाइक में आप लोग को क्या कुछ फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा गाड़ी का जो इंजन है और जो आप लोग को माइलेज वगैरह देखने को मिलता है उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को इस एक्सपल्स 204V का प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो लगभग दोस्तों आप लोग को 165,780 रुपये के आसपास में देखने को मिलेगा ऑन रोड 2023 में। बाकी यहाँ पर मैं आप लोग को फीचर्स के बारे में बताऊं तो फीचर्स आप लोग को इस गाड़ी पर जो है अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, जो कि फ्रंट पर दोस्तों आप लोग को इस गाड़ी पर जो है LED का हेडलैम्प देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों LED के DRL के साथ आता है। बाकी यहाँ पर मैं आप लोग को इस बाइक के मीटर के बारे में बताऊँ तो बाइक पर दोस्तों आप लोग को फुल्ली डिजिटल का मीटर कंसोल दिया गया है, जिस पर कि दोस्तों आप लोग को ढेरों सारे इन्फॉर्मेशन तो देखने को मिलते ही है। साथ ही साथ बाइक पे दोस्तों आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी पर जो आप लोग को USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, जिससे कि आप लोग फोन वगैरह को चार्ज कर पाएंगे। सेफ्टी के बारे में बताऊँ दोस्तों तो गाड़ी पर जो है आप लोग को डुअल डिस्क ब्रेक के साथ जो है सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बाइक पे दोस्तों आप लोग को जो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो फ्रंट पे दोस्तों आप लोग को टेलीस्कोपिक का देखने को मिलता है, जिस पर दोस्तों आप लोग को फोर्क गेटर्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है आप लोग को टेलीस्कोपिक जो सस्पेंशन है इस पर आप लोग को कवर देखने को मिलता है, जिससे क्या है कि दोस्तों सस्पेंशन पे जो है धूल वगैरह नहीं जाएगी, उससे सस्पेंशन की जो लाइफ है दोस्तों वो थोड़ी सी और भी बढ़ जाएगी। बाकी रेयर पे दोस्तों आप लोग को बाइक पर जो है मोनो का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं इस बाइक के इंजन की ओर। तो इंजन दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे जो है 199.6 cc का आप लोग को BS6 फेज 2 वाला इंजन देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों ऑयल कूल टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसका रेडिएटर। इसके अलावा दोस्तों बाइक पे जो है आप लोग को जो पावर है वो आप लोग को 18.83 BHP तक की देखने को मिलती है, और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आप लोग को 17.35 Nm तक का देखने को मिलता है, जो कि बाइक पे दोस्तों आप लोग को सेल्फ स्टार्ट के साथ जो है किक स्टार्ट भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बात है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को इसके माइलेज के बारे में बताऊँ तो लगभग दोस्तों आप लोग को 35 to 40 km तक का देखने को मिलेगा। बाकी हाँ, गाड़ी पे दोस्तों आप लोग को 5-speed गेयरबॉक्स का सेटअप भी देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग इस बाइक के व्हील की ओर बढ़े तो गाड़ी पर दोस्तों आप लोग को फ्रंट पे जो है 21 inch का आप लोग को स्पोक व्हील देखने को मिलता है, और रेयर पर जो है आप लोग को 18 inch का स्पोक व्हील देखने को मिलता है। बाकी टायर साइज के बारे में बताऊँ तो गाड़ी पर दोस्तों आप लोग को 90x90 सेक्शन का फ्रंट पे देखने को मिलता है, और रेयर पर दोस्तों आप लोग को 120x80 सेक्शन का देखने को मिलता है, जो कि बाइक पर दोस्तों आप लोग को ट्यूब टायर देखने को मिलते हैं। जी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, बाइक पे आप लोग को ट्यूबलेस टायर नहीं मिलेंगे, बाइक पे आप लोग को ट्यूब टायर ही मिलेंगे। बाकी यहाँ पर मैं आप लोग को ब्रेक्स के बारे में बताऊँ तो फ्रंट पे दोस्तों आप लोग को 276 mm तक का देखने को मिलता है, और जो रेयर का डिस्प्लेट है उसका जो साइज है वो आप लोग को 220 mm तक का देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं आप लोग को इस बाइक के वेट के बारे में बताऊँ तो अराउंड दोस्तों आप लोग को 158 kg तक का देखने को मिलता है, और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों वो आप लोग को 220 mm तक का देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। तो आप लोग ऑफ रोडिंग वगैरह भी करेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है दोस्तों वो आप लोग को इस बाइक का जो है 13 liters तक का देखने को मिल जाता है, जो कि बाइक का जो फ्यूल टैंक है दोस्तों उस पर आप लोग को जो है 200 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस पर जो है आप लोग को काफ़ी सारे और भी ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग इस बाइक का सीट को तो देख ही सकते हैं, जो कि गाड़ी पर दोस्तों आप लोग को अच्छा खासा लंबा सीट देखने को मिलता है, जिससे कि आप लोग को कम्फर्ट भी बेहतरीन मिलेगा। और हाँ, इस बाइक के मैं आप लोग को टेल लैंप के बारे में बताऊँ तो रेयर पर दोस्तों आप लोग को LED का टेल लैंप दिया गया है, और जो गाड़ी पे जो आप लोग को इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं वो दोस्तों आप लोग को हेलोजन टाइप के ही देखने को मिल रहे हैं। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस बाइक का एग्जॉस्ट को, जो कि काफी ज्यादा ऊपर की साइड है। इसके वजह से दोस्तों क्या है ना कि अगर आप लोग बाइक को जो है लेकर वाटर क्रॉसिंग करते हैं तो आपकी बाइक जो है वो बंद नहीं पड़ने वाली है, आप लोग इजिली तरीके से जो है वाटर को क्रॉस कर लेंगे। बाकी अब आप लोग बताइए दोस्तों कि ये जो एक्सपल्स 204V है ये आप लोग को कैसा लगा, इसके बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं, और एक बार फिर से मैं आप लोग को इसके प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो लगभग आप लोग को 165,000 के आसपास में ऑन रोड देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।